हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब सबसे पहले हमें एक बार दोबारा से पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जब एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसके हम मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस टाइप का बनेगा, क्या नेचर होगा उस ग्राफ का, हमें ये ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक केस कंसीडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में है और टाइम के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है और ऑब्जेक्ट का मोशन है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हर इक्वल इंटरवल के ऑफ टाइम के अंदर वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा। मान लीजिए जब टाइम जीरो था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी जीरो, जब टाइम 2 सेकंड्स हुए तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी 4 सेंटीमीटर और टाइम 4 सेकंड पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी 8 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से जैसे टाइम बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की। तो ये मोशन हुआ यूनिफॉर्म मोशन। अब हम अपनी रीडिंग्स को एक ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस हम प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पर लेंगे हम टाइम और वाई एक्सिस पर लेंगे हम डिस्टेंस। अब जो भी हमारे पास डिस्टेंस और टाइम की रीडिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स ग्राफ में पॉइंट्स लगाएंगे और उन्हीं पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें पता चलेगा कि जो ग्राफ है हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ग्राफ कैसा है यहां पर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हैविंग सम एंगल विद द टाइम एक्सिस। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हैविंग सम एंगल विद द टाइम एक्सिस। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इस ग्राफ को हम यूज कर सकते हैं टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। अब मान लीजिए जैसे कि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर हम कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कहीं भी आप ले सकते हैं दो पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब यहां पर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। इस ट्रायंगल का सबसे पहले हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए स्लोप जानिए सबसे पहले क्या होता है, जनरल लैंग्वेज में अगर बात करूं स्लोप का मतलब है कितनी ढलान है किसी चीज में, स्लोप यानी ढलान। तो ये निकालने का एक फॉर्मूला है स्लोप निकालने का, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो हम इस ट्रायंगल एबीसी की हेल्प से इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये जो स्लोप है ये परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर में हमारे पास देखिए आप क्या है, हमारा परपेंडिकुलर डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट और बेस इंडिकेट कर रहा है यहां पर टाइम को। तो जैसा आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो यानी कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है यह स्लोप हमें बताएगा किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। यानी कि इस ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी के बारे में बताएगा। तो यहां से अगर आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंडिकेट, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंडिकेट्स द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब कि इस स्लोप को हम वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन को छोड़कर के और किसी भी टाइप का हो सकता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो यानी मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा मान लीजिए हम एक और केस डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा रेस्ट पर है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो टाइम तो
चेंज हो रहा है लगातार, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या डिस्टेंस में कोई चेंज हुआ? नहीं। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसीलिए जो ग्राफ आएगा अब की बार फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है, लेकिन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इस बार जो हमारा ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आया है। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इसके भी अलग अलग केसेस हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। तो अगेन, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो अब देखिए जरा, मान लीजिए हम अलग अलग कुछ एक रीडिंग लेते हैं टाइम और वेलोसिटी की। एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पर हम लेंगे वेलोसिटी। तो देखिए क्या टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ? नहीं। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, केवल क्या चीज चेंज होती है? डिस्टेंस। तो देखिए, टाइम जीरो था, मान लीजिए वेलोसिटी उस टाइम थी 10 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 5 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी अभी भी कितनी है? वेलोसिटी अभी भी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम बढ़ गया 15, वेलोसिटी अभी भी कितनी है? 10। तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इसीलिए अब ग्राफ है हमारे पास स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास कि व्हाट डज द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट। अब देखिए, जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो देखिए, इस ग्राफ का एरिया हमें क्या बताएगा? देखिए जरा, यहां पर इस ग्राफ के अंडर का एरिया, अंडर द ग्राफ हम फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया क्या होगा? पर लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब लेंथ में क्या है और ब्रेथ में क्या है? एक तो हमारे पास है वेलोसिटी और एक है टाइम। तो अब देखिए जरा, एरिया इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट्स द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यानी कि ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, ये जो हमने अभी डिस्कस किया, ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में तो हम सभी को पता है, लेकिन क्वेश्चन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी सेम नहीं है, तो क्या सेम है? एक्सेलरेशन सेम है। अब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है विद द टाइम, लेकिन क्या चीज सेम है? एक्सेलरेशन। तो देखिए, वेलोसिटी तो कॉन्टिन्यूसली एक रेगुलर इंटरवल के साथ इंक्रीज कर रही है। मान लीजिए शुरू में 5, बाद में 10, 15, 20, 25, जैसा कि ग्राफ में शो किया गया। यहां पर वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्या यहां और टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है? हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो देख सकते हो आप लोग, एक्सेलरेशन यहां पर क्या है? सेम। तो इसीलिए इस मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस में हमारा ग्राफ किस टाइप का आया है? इट इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बट मेकिंग सम एंगल विद द टाइम एक्सिस। अब ये टाइम एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, कुछ इसका कुछ ना कुछ स्लोप है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस ग्राफ की हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है। तो जरा यहां पर इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट कीजिए। आप इस ग्राफ पर कहीं भी दो पॉइंट ले लेते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, इस स्ट्रेट लाइन पर हमने कहीं पर भी दो पॉइंट लिए और इसका स्लोप फाइंड आउट कीजिए।
तो स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, एसी, और बेस क्या है, बीसी। तो एसी क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी, और बीसी क्या इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन द टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यानी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से हम इसका यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके अलावा किसी भी टाइप का जो ग्राफ आएगा है तो वो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अगर हम एक यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ बनाना चाहें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो किस टाइप का बनेगा। देखिए, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ग्राफ कुछ इस टाइप से था, सीधा एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर, लेकिन अब यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड मोशन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी अब क्या होगी, टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, तो ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर बनेगा। तो ये होगा, अगर ऊपर से नीचे की ओर एक स्ट्रेट लाइन आती है तो यानी मोशन कैसा है, यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन, और वी कैन आल्सो से इट यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन।